एक लीटर तेल, 8-10 किलो पास्ता, खूब सारा नमक, खूब सारी ओरिगैनो और 10-15 पैकेट मैजिक मसाला के। इसमें और मोमोज की चटनी में क्या फ़र्क है? बहुत डिफरेंस है। ये लग रहा है ना आपको पिस्ता कुल्फी है, ये क्या लग रहा होगा? नॉर्मल कुल्फी, रबड़ी कुल्फी लग रही होगी। पक्का आप लोग कह रहे होगे या बादाम कुल्फी होगी ना। अब आपका सच्चाई बताता हूँ। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी भाजी, और दिल्ली की सर्दी के एक और तड़कते भड़कते एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। अभी पीछे के बैकग्राउंड से ऐसा लग रहा है मैं किसी शादी पे आया हुआ हूँ, पर अभी कोरोल बाग में हम लोग, वहाँ पे पीछे मारी है कैमरा, कोरोल बाग में हम लोग जी खाना खा रहे हैं, अलग अलग जायका। और मुझे कॉमेंट्स में बताइए आपको क्या ज़्यादा पसंद है, पास्ता या मोमोज, कॉमेंट करिए, टीम पास्ता हो या टीम मोमोज। ये जी गाइस, अब बन रहा है जी आंटी जी का स्पेशल पास्ता, स्ट्रीट स्टाइल पास्ता। ऐसा पास्ता आपने कभी खाया नहीं होगा। पूरा 1 लीटर इसके अंदर गया तेल। हाँ जी, सोचो पास्ता हम लोग जब घर पे बनाते हैं 2-4 चम्मच तेल के डालते हैं, यहाँ पे 1 लीटर तेल गया, कितनी बड़ी क्वांटिटी में बनेगा। ये आ रहे जी बॉइल्ड पास्ता, पेने पास्ता, फ्लैट, बड़े बड़े साइज के, ओए होए होए, बॉइल हो के यहाँ पे डल रहा है। एक बारी में कितना किलो बनता है अंदाजा? 8-10 किलो एक बारी में बनता है। एक बारी में 8-10 किलो पास्ता बनता है। आप अंदाज़ा लगाइए, घर पर मैं बनाता हूँ ना तो 500 ग्राम का पैकेट मैं घर पे 3-4 बार करके बनाता हूँ। मतलब मैं घर में 100 ग्राम पास्ता बनाता हूँ, यहाँ पे 10 किलो पास्ता बन रहा है एक बारी में। कितना सारा पास्ता बन रहा है, ओ भाई साहब देखो, ये इतना सारा नमक गिरा है सिर्फ, इतना सारा नमक, मेकिंग देखो, ओ भाई साहब, इतनी सारी ओरिगैनो। आई थिंक ये वो जो डब्बियाँ आती है ना, और कहने को 2-3 डब्बियाँ होगी है ना, उससे भी ज़्यादा। और अब इसका स्टार इंग्रेडिएंट स्पेशल मैजिक मसाला, हर कोई मैगी मसाला यूज़ कर रहा है भाई, हर कोई। तो सोचो तो बड़ी सिंपल सी प्रिपरेशन है ये, बट जो टेस्ट आता है एकदम इंडियनाइज्ड, एकदम लोकल। इसको आंटी पास्ता क्यों बोलते हैं? आंटी का पास्ता है। आंटी ये हैं, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, 10-15 साल से हो गए इसको, यहीं पे करोल बाग के बाहर ही होता है। कौन सा गेट है ये? गेट नंबर एक के बाहर। ये देखो बहुत सारे मैगी के इसके अंदर पैकेट डल गए। बड़ी सिंपल सी प्रिपरेशन है, वेरी सिंपल प्रिपरेशन एंड येट वेरी डिलीशियस। 1 लीटर तेल, 8-10 किलो पास्ता, खूब सारा नमक, खूब सारी ओरिगैनो और 10-15 पैकेट मैजिक मसाला के। ये है जी आंटी का पास्ता की स्पेशलिटी। और अब ये डल रहा है जी नेक्स्ट चीज़। इसमें और मोमोज की चटनी में क्या फ़र्क है? बहुत डिफरेंस है। अदरक लहसुन नहीं डलता इसमें। अच्छा, दिस इज पास्ता सॉस। कभी ऐसी पास्ता सॉस देखिए, शिमला मिर्च भी डलेगी, बहुत सारी चीज़ें डलती है। अब मिक्सिंग होगी इसकी, अब सब कुछ डल गया, अब मिक्स होगा। इसको मिक्स करने में बड़ी मेहनत लगती होगी ना, आसान दिखता है जितना उतना है नहीं मिक्स करना इसको। हाँ नहीं लग रहा है ना, ऐसे ऐसे कर लो बस, मुश्किल काम है ना। भैया बोल रहा है तुम हल्के में ले रहे हो मेरे को मिक्स करने को। ओए होए, और देखने में बड़ा अच्छा लगता है। बस दो ही चीज़ें रहती हैं, मोमोज और पास्ता बस। मोमोज क्या रेट है? वेज मोमोज 40 का फुल है अभी। अच्छा, मोमोज है पास्ता है, पर आपका पास्ता मतलब मोमोज भी है पर पास्ता है आपकी पहचान है, पास्ता पहचान है भाई। सही है भाई, चलो इसको बनता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद खाते हैं इसको, टेस्ट करते हैं, बताता कैसा टेस्ट है। ये क्या था? क्रीम मेयोनीज, 2 स्पून दे देना। गाइज ये आ गया हमारा जी पास्ता आंटी जी का, एकदम फ्लैट पास्ता, जैसे पेने पास्ता होता है ना, ये फ्लैट पेने पास्ता है एकदम। और इसके ऊपर मेयो डाली हुई है, मैगी का इसके अंदर जो मैगी का मसाला वाला पैकेट आता है ना 5 रुपये का, वो डाला हुआ है। सब्जियों के नाम पे इसके अंदर शिमला मिर्चा जी, ये भी उठा लेते हैं। ओए होए, और इधर से पास्ता गिर रहा है। और ये देख रहे हो चिली वाली सॉस जो होती है ना मोमो की चटनी वाली, मोमोज भी मिलते हैं यहाँ पे, तो वो भी डाल चुके हैं। और चिली फ्लेक्स डाल डुल के वो पास्ता सॉस बन जाती है। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ ले लिया, टेस्ट करते हैं जी। मेट्रो स्टेशन करोल बाग के एकदम पास में आंटी जी पास्ता वाली, ये भी अलग जाएगा। कोई इडली का बंदा आएगा ना उसको ना
चक्कर खा के गिर जाएगा वो, ये क्या पास्ता मिल रहा है। पर ये हमारा देसी पास्ता है। लाइन लगी हुई है यहाँ पे, कोरोना के टाइम में भी 5-5 मिनट में इनके पूरी कढ़ाइयाँ निकल रही हैं। बहुत फेमस है, कभी भी करोलबाग चक्कर लगे खा सकते हैं। बढ़िया, ऐसा मैं समझ रहा हूँ ये हर किसी के लिए जायका नहीं है, शायद आपको पसंद आए शायद ना आए। बहुत एक्सट्रीम टेस्ट है इसका, अगर आप डाई हार्ड पास्ता फैन है तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि एकदम देसी स्टाइल है पास्ता खाने का। पर एक एग्जांपल अगर आपको दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए है कि नहीं है। अगर आपको जो वो स्ट्रीट स्टाइल पिज़्ज़ा बनते हैं ना, वो अगर आपको पसंद है स्ट्रीट स्टाइल पिज़्ज़ा, तो आपको ये स्ट्रीट स्टाइल पास्ता पसंद आएगा। अगर नहीं पसंद वो और आप डोमिनोज ही खाते हो, पिज़्ज़ा ही खाते हो, तो ये मत खाना। आइए चलते हैं कुछ और खाते हैं, बढ़िया खाना आपको दिखाते हैं दिल्ली की सड़कों पे सर जी के साथ। तो गाइस आपको हम लोगों ने वो पीछे दिखाया, वो बढ़िया चीज़ थी। अब हम लोग आए हैं चौधरी कुल्फी पे। भाई ये रास्ता पड़ता है आपका, कौन सा एरिया, कौन सा पड़ता है ये? शक्तिनगर एरिया, शक्तिनगर एरिया है। बड़ा मशक्कत से आना पड़ता है घूम घाम के इधर उधर हो के, पर जो चीज़ आती है ना एक नंबर की चीज़ है गुरु, एक नंबर की चीज़। बहुत टाइम से खा रहा हूँ यहाँ पे, 20 प्रकार की कुल्फी है। आपने क्या कभी इधर इधर मेन्यू में देखी है? क्या आपने कभी ओरियो कुल्फी के बारे में सुना है? मोचा कुल्फी, मोचा मोका, ओरियो मोका कैरमेल, ये सीएनसी ब्लास्ट क्या है? कैरमेल कॉफी और चॉकलेट, तीन फ्लेवर होते हैं। कैरमेल कॉफी और चॉकलेट कुल्फी में डाल दी? मतलब मेरे को लग रहा है सिग्नेचर लिखा हुआ है, थोड़ी स्पेशलिटी है ये शायद आपकी, रबड़ी ये सब बहुत सारी चीजें भाई। लीची कुल्फी है, ब्लैक करंट कुल्फी है, पान कुल्फी है, अंजीर कुल्फी है, क्या क्या गुलकंद कुल्फी है, बहुत सही। मतलब एक बार दिखाएंगे सर कुल्फियाँ कहाँ पे है? ये देखिए जी, बहुत बहुत फेमस ब्रांड है ये जी चौधरी कुल्फी का आपका। ये सारी कुल्फियाँ लगी हुई हैं, ये अलग अलग रंग देख रहे हो ना, कोई हरा है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई लाल है, सारे कुल्फी हैं। कोई हमें कौन सी खिलाएंगे भैया ये बताइए जरा? ओरियो, ये ओरियो वाली कुल्फी है जी। आप सोचिए ये कुल्फी इसके अंदर क्या है, सोच के देखिए। आपने खाई होगी केसर कुल्फी, खाई होगी बादाम कुल्फी, खाई होगी पिस्ता कुल्फी, खाई होगी, इससे आगे तो मेरे को नहीं लगता कोई कुल्फी मिलती होगी। अब इधर जो जैसे गलियों गलियों में मिलती है वो जैन कुल्फी मिलती है हर जगह। जैन कुल्फी में कौन सी? वो बादाम कुल्फी होती है, ओरियो कुल्फी है भाई ये। और क्या रेट है जैन कुल्फी का? ये जो आपको मिल जाती है 30-40 रुपये की मिलती है, मात्र 20 रुपये की ओरियो कुल्फी। मूंग की दाल हलवा, गाजर हलवा, ये सारी चीज़ें रहती है। पर जो इनकी नाम है, जो दुकान है, दुकान का नाम चौधरी स्वीट्स है, स्वीट्स वगैरह सब कुछ है, पर जो जैसे कहते हैं ना दुकान की एक पहचान बनती है, स्टैम्प बन जाती है, वो इनकी कुल्फी है भाई। कुल्फी के नाम से मशहूर है, बंदा दूर दूर से आता है खाने यहाँ पे। ओरियो कुल्फी का जायका लेते हैं और उसके बाद इनकी वो सीएनसी वाली खाई हो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालने भाई कुल्फी के अंदर ये। ओए होए, पूरा ओरियो बिस्किट डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, प्योर तो ये बनती कैसे है? नॉर्मल जैसे कुल्फियाँ बनती है वैसी, बस इसके अंदर क्रश करके डालते हैं। अच्छा, बंदा घर जाके ले जाए इसको, आराम से चलते रहेगी। अभी तो वैसे ही सर्दियों का टाइम है, ये आप कुल्फी ले जाओ, क्योंकि ये कुल्फी ऐसी है ना सर्दी में बंदा खड़े खड़े तो ज्यादा नहीं खा सकता, घर में ले जाए फ्रिज में, रोज खाने के बाद एक कुल्फी खाए, बढ़िया आनंद आएगा। और चलो कोई एक दो और बताओ जरा। पान कुल्फी, हाँ पान कुल्फी के हम दीवाने आपके। ये देखो जी ये कुल्फी, मतलब बंदा क्या होता है पान को ना मुखवास कहते हैं, मतलब देसी भाषा में पान मुखवास होता है, पान के बाद कुछ और खाना नहीं खाते, और खाने के बाद अच्छा। ये भी बड़ी सही लग रही है, बहुत सही है ये भी। ये एक ये भी दे दो, चलो तीन कुल्फियाँ ले लेते हैं हम, उससे ज़्यादा फिर हम लोग खा नहीं पाएंगे। एक एक करके तीनों का टेस्ट लेते हैं, पहले तो मैंने इसका तो टेस्ट ले ही लिया था। ये देखो, अगर आपको कोई भी शक रहा हो तो ओरियो इसके अंदर दिख रहे हैं, हाँ ओरियो डाला हुआ है इसके अंदर। बहुत सही, बहुत जायज कुल्फिया ये पान वाली, ये मेरी फेवरेट है यहाँ पे। और आप सोच रहे होंगे कि भाई तन्मय ऐसी जगह पे लेके आए, इतनी बेहतरीन कुल्फियाँ मिल रही हैं, कम से कम 100-150 रुपए की एक कुल्फी होगी, है ना? सोच रहे हो ना, 20 रुपए की है ये, 20 रुपए की ओरियो कुल्फी। अरे 20 रुपए का तो मीठा पान नहीं आता आजकल, है ना? मीठा पान 30-40 रुपए का आता है। और ये इनकी सबसे लोडेड, इसके अंदर 3-4 चीज़ें भरी हुई है। भैया क्या क्या डाला हुआ था इसके अंदर? कैरेमल कॉफी और चॉकलेट, कैरेमल कॉफी और चॉकलेट,
और ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके डाले हुए हैं इसके अंदर, कैरेमल, कॉफ़ी और चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके। प्राइस ना 100 रुपये ना 200 रुपये, मात्र 40 रुपये आप लोगों के लिए। डील डन, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं होलसेल मार्केट का ना कोई सरोजनी मार्केट का कोई बंदा बोला। डील डन, लेके जाओ आज के आज में, कल प्राइस की गारंटी नहीं है, पर यहाँ पे कल की भी प्राइस की गारंटी है। वाओ, मट्ठा मट्ठा सा कॉफ़ी का फ्लेवर आ रहा है आफ्टर टेस्ट में। पहले बाइट ले, ओ भाई ओ, टॉफी टॉफी होती है ना जैसे कैरेमल टॉफी, कैरेमल कॉफी टॉफी। बहुत जिसे कहते हैं लाजवाब जगह है, चौधरी स्वीट्स शक्ति नगर में। अगले संडे मिलेंगे दिल्ली की सर्दी में, ऐसे ही रोमांचक जगह आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। बहुत सही है भाई, अगर आपको कोई ऐसी बढ़िया जगह पता है तो बताइएगा ज़रूर, हम पहुँचेंगे वहाँ पे, खाएंगे। रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है, गाड़ी बेचारी हमारी बड़ी आज परेशान हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एंड रिजल्ट इज़ ब्यूटिफुल। 2 हफ्ते कुल्फियाँ चले जाएगी, यहाँ से आओ 10-15 कुल्फी लेके जाओ, अपने फ्रिज में रखो और हर दिन खाने के बाद खाओ, पान कुल्फी खाओ, खाने के बाद मीठा कुल्फी के नाम पे हो गया और मुखवास पान के नाम पे हो गया, पान कुल्फी। इतनी बढ़िया कुल्फी है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कौन सी बाद में खाऊं, सबसे बढ़िया चीज़ एंड में खानी होती है, पर मैं कंफ्यूज हो गया कौन सी बढ़िया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं तब तक फिगर आउट करता हूँ। गाइस ये देख रहे हो कैसे रंगीन कलर की बॉटलें नहीं पड़ी हुई, ये दूध है अलग अलग फ्लेवर के, ऊपर देखो रोज़ कॉफ़ी, ब्लैक करंट, स्ट्रॉबेरी, मोका, पिस्ता, इलायची, स्पेशल केसर, काजू, बादाम, मस्ट ट्राई लिखा हुआ है, तो हम लोग भी वही ट्राई करेंगे। नट ओवरडोज है, नट्स तो ठीक है बट दूध अच्छा है, दूध पीजिए, इनकी कुल्फी खाइए अलग अलग फ्लेवर की। कलाकार लोग हैं, 100 साल से ऐसी चीज़ें बना रहे हैं। पर इसका मज़ा ना दिल्ली की सर्दी से ज़्यादा ना दिल्ली की गर्मी में आएगा, तपती गर्मी में आप ये पियोगे ना कलेजे में ठंडक पड़ेगी और फिर बोलोगे वेजी बाजी ने सही जगह बताई है।